कानपुर पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने चार्ज संभालते ही कानपुर में हो रही समस्याओं को समझकर उसके निस्तारण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज कानपुर पुलिस आयुक्त अखिल कुमार और पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन तेज स्वरूप द्वारा घंटाघर में चारों ओर अतिक्रमण और ट्रैफिक की समस्याओं को समझा और समस्याओं के निस्तारण के लिए थाना प्रभारियों को निर्देशित किया। घंटाघर और सूतरखाना व्यापार मंडल अध्यक्ष से बात कर अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा। साथ ही घंटाघर चौराहे से टाट मिल चौराहे तक मैं फोर्स पैदल रूट मार्च किया। देखिए, मैं अभी नया हूँ। मैं आज इसलिए निकला कि ट्रैफिक कानपुर शहर की प्रमुख समस्या में चिन्हित किया गया है। मैं पिछले 3-4 दिन में जितने लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने 9 out of 10 पीपल कह रहे हैं कि ट्रैफिक एक मेन समस्या है। अच्छी बात है कि बहुत अच्छा काम हुआ है पिछले कुछ दिनों में। कानपुर में बहुत इनोवेशन हुए हैं, एनालिटिकल स्टडीज़ हुई है, ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, स्टेयरिंग कमेटी है, तो एक फ्रेमवर्क हमारे पास एक आगे कैसे काम करना है उस पर बना हुआ है। हम लोग एक नई टीम आई है, मैं भी नया हूँ, हमारे कुछ ऑफिसर्स नए आए हैं, हमने एक नई टीम हम लोग ने आज गठित की है। अभी हमारे पूरी जो DC ट्रैफिक डायरेक्टरेट है उसको हम लोग ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। हमारे आरती जो है, हमारी नई DCP ट्रैफिक है, शिवा एडिशनल DCP हैं, और हमारे सृष्टि पहले से है वहाँ पे, हमारे जो ADCP है अंजलि वो ऑलरेडी इस काम पे कर रही थी। जो सो अच्छी बात है कि जो हमारा वेमेन फोर्स है, लीडरशिप है, वो इस पे कर रहा है, मुझे लगता है, और हमें फोकस और मेटिकुलस अप्रोच मिलेगा ट्रैफिक हैंडलिंग में। जो हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि ट्रैफिक सिर्फ ट्रैफिक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, ये पूरे कानपुर पुलिस की पहली जिम्मेदारी हमने कर दी है, जिसमें हमारे DCP ट्रैफिक के अलावा जो DCP जोन्स हैं वो इस कार्य में आगे बढ़ के उनको रुचि लेना है, और हम लोग सब मिलकर एक टीम लेके ट्रैफिक पर फोकस करेंगे। इसमें जो चूँकि एक मल्टी डायमेंशनल एक्शन चाहिए, इसमें एक स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है पहले से मंडल आयुक्त महोदय के नेतृत्व में। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस स्टीयरिंग कमेटी के माध्यम से जो अन्य विभाग हैं, जिसमें नगर निगम है, हमारे बिजली विभाग आप देख रहे हैं उनके पोस्ट रहते हैं, इसमें हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं, ACM साहब हैं, आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी है, PWD है, इत्यादि सभी विभागों में, और जो लोकल पीपल हैं, इनका स्टेक होल्डर है, सबको साथ में लेते हुए हम लोग प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल क्लास से कंसल्ट करेंगे, लोगों से कंसल्ट करेंगे, ट्विटर के रूप में पॉल कराएंगे। एक सिंसियर जो एक दिशा कानपुर पुलिस ऑलरेडी ले चुकी है, हम लोग प्रयास करेंगे कि वो कारवां यात्रा आगे बढ़ती रहे और हम लोग आपको बेहतर यातायात व्यवस्था इस शहर में दे सकें। सर, पार्किंग की समस्या बहुत देखने को मिलती है और इसको लेकर क्या नगर निगम से बात की जाएगी? अवश्य की जाएगी। देखिए, पार्किंग स्टैंड देना नगर निगम के प्रमुख दायित्वों में है। पार्किंग स्टैंड हम चिन्हित करके उनसे इंटरेक्ट करेंगे। पार्किंग के साथ साथ वेंडिंग जोन्स बनाना, बहुत सारे वेंडिंग जोन नहीं होने के बाद ठेले ठुलिया लगे रहते हैं, वेंडिंग जोन को बनाना, वहाँ इन्फोर्स करना, साथ ही साथ हमारे जो इंक्रोचमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट हो सकती है। लोग नहीं होता तो धीरे धीरे इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, इसके लिए प्रमुख रूप से हम लोग ने DCP जोन्स को लगाया है कि वो इस काम को करे। बेटर रेगुलेशन, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग में हमारे ट्रैफिक विभाग रहेगा और हम लोग मिलकर हम लोग कोशिश करेंगे। और आज का ये जो वॉक है, बेसिकली एक मेरे द्वारा असेसमेंट था, ग्राउंड असेसमेंट, वेयर आर वी, व्हाट एक्शंस आर बीन टेकन इन पास्ट और वेयर डू यू वांट टू गो फ्रॉम हेयर, तो इन सब बिंदुओं पर हम लोग काम करेंगे और आगे आप लोगों को ब्रीफ और अपडेट करते रहेंगे। पुलिस द्वारा कारोबार एक अभियान चलाया गया, तो जो नशे में
खुले में तो शराब पी रहा हूँ उसको कार्रवाई, लेकिन फिर सर खुले में लोग शराब पी रहे हैं गाड़ी रोक के। नहीं, बहुत अच्छा अभियान था, कल ही मैंने देखा, आज शाम से वो अभियान फिर शुरू हो जाएगा। कोई इसी प्रकार का अराजकता सड़क पे, चाहे वो दारू पी के हो रही हो, चाहे स्टंटबाजी हो रही हो, या किसी प्रकार की इनडिसिप्लिन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लोग लाउड हेलर्स की, या मैं सुना हूँ कि लाउड स्पीकर्स की बहुत यूज़ करते हैं, कोई भी परमिशनल लिमिट्स के बाहर यूज़ नहीं करने दिया जाएगा, और अगर करता है तो हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। रात में दारू पीती है, घंटा घर पे बहुत खबर भी चली है, लेकिन सबकी कार्रवाई होगी, फिर से खबर चलाइए।